निर्गमन अध्याय तीन। निर्गमन अध्याय तीन। मूसा अपने ससुर इत्रो नाम मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल की परली और होरेब नाम परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने सोचा कि मैं उधर फिर के इस बड़े अचंभे को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकार के कहा कि हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर निहारने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश में से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिव्वी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। सो अब सुन, इसराइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इसराइली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। तब मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इसराइलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं? उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं, तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इसराइलियों के पास जाकर उनसे यह कहूं कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे कि उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तू इसराइलियों से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा कि तू इसराइलियों से यह कहना कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर, अर्थात इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। इसलिए अब जाकर इसराइली पुरनियों को इकट्ठा कर और उनसे कह कि तुम्हारे पितर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर यह कहा है कि मैंने तुम पर और तुमसे जो बर्ताव मिस्र में किया जाता है उस पर भी चित्त लगाया है और मैंने ठान लिया है कि तुमको मिस्र के दुखों में से निकालकर कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिव्वी और यबूसी लोगों के देश में ले चलूंगा, जो ऐसा देश है कि जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है। तब वे तेरी मानेंगे और तू इसराइली पुरनियों को संग लेकर मिस्र के राजा के पास जाकर उससे यो कहना कि इब्रियों के परमेश्वर यहोवा से हम लोगों की भेंट हुई है, इसलिए अब हमको तीन दिन के मार्ग पर जंगल में जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाए। मैं जानता हूं
कि मिस्र का राजा तुमको जाने न देगा, वरन बड़े बल से दबाए जाने पर भी जाने न देगा। इसलिए मैं हाथ बढ़ाकर उन सब आश्चर्य कर्मों से जो मिस्र के बीच करूंगा उस देश को मारूंगा, और उसके पश्चात वह तुमको जाने देगा। तब मैं मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा, और जब तुम निकलोगे तब छूछे हाथ न निकलोगे, वरन तुम्हारी एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसिन और अपने अपने घर की पाहुनी से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लेंगी, और तुम उन्हें अपने बेटों और बेटियों को पहनाना। इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूटेंगे।